Hello everyone, I welcome to all of you. Today we all are here to discuss on a very important topic. आज हम लोग यहाँ पर हैं कि how I achieve my dream. देखिए, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो जॉब कर रहे हैं लेकिन वो अपनी जॉब से कहीं ना कहीं खुश नहीं है और वो इतने इनसिक्योर हैं कि वो रिस्क भी नहीं ले पाते हैं. टाइम पे टाइम निकला जाता है और फिर वो सोचते रहते हैं कि काश ये उस वक्त में हम ऐसा कर लेते. इस काश से आपको बचना है. ये वर्ड मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी में रहे. देखिए, हम अगर रिस्क लेते हैं और खुदा ना खास्ते हम फेलियर हो जाते हैं, हमने अपनी भरपूर मेहनत की, भरपूर जद्दोजहद की, भरपूर कोशिश की, लेकिन जो उस फेलियर के प्रोसेस में भी हमने बहुत सारा वर्क किया होगा, बहुत सारे काम किए होंगे. और आप अपने आप को देखिएगा कि 4 साल पहले और 4 साल के बाद मेरी पर्सनालिटी में एक ह्यूज डिफरेंस हो गया है. That knowledge, that experience is your achievement. That no one can take back. So ladies and gentlemen, one thing keep in your mind. If you are working hard, then you will definitely get something. If you are a winner, then you will lead the world. If you are failure, then you will guide the world. So ladies and gentlemen, अभी आपको ये करना है कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसके ऊपर मेहनत कीजिए. अगर आप जॉब में हैं और अपनी जॉब से आप बोर हो चुके हैं, आपको अपने बॉस के लेक्चर बोरिंग लगते हैं, आपको लगता है कि बॉस आपकी क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आपके आइडियाज़ की कद्र नहीं कर रहा है, तो आप साइड से एक वर्कआउट कीजिए अपने ऊपर कि व्हाट यू रियली वांट टू अचीव एंड टेक द नेसेसरी स्टेप, टेक द रिस्क एट द राइट टाइम. And right time is now. Right time is now, ladies and gentlemen. So, देखिए, जब आप कोई भी काम कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि आप उस चीज़ के डेप्थ में जाइए. सपोज आप एक गिफ्ट की शॉप डालना चाहते हैं या गिफ्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में गिफ्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है. अब लोग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप गिफ्ट के बारे में जानिए कि गिफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, होलसेल के पास कैसे जाता है, रिटेलर के पास कैसे आता है, उसके बाद कस्टमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उसको जानने के लिए हो सकता है आपको सेल्समैन भी बनना पड़ेगा, आपको जगह जगह जाके विजिट करना होगा. जब आपको लगे कि आपने इस बिजनेस के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया ले लिया है, तब आप उस पर इन्वेस्ट कीजिए. अगर आपके पास मनी नहीं भी है तो जो आप इस प्रोसेस के तहत जाएंगे तो आप बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, इस बिजनेसमैन से, और वो देखेगा अगर आपके अंदर टैलेंट है तो दैट पर्सन, दैट बिजनेसमैन विल इन्वेस्ट यू. तो नेवर एवर थिंक दैट कि मनी इज एसेंशियल टू स्टार्ट एनी बिजनेस. इट इज जस्ट सेकेंडरी. Remember, your ability, your quality, your inner depth is the primary. Just remember this thing. तो पहले आप उस बिजनेस का हुनर लीजिए. जब आपके अंदर वो हुनर होगा तो 10 चीज़ें आपके पास आएंगी. 10 चीज़ें. So, ladies and gentlemen, my conclusion is that you take the step today. You start work today. Sometime you will feel low, but you will always remember, if that will successful, that idea, that business will be successful, it will be more than your job. It may be 10 times, 100 times, 1,000 times, 1,000,000 times more than your job. So it is not an easy task. You have to pay the patience. You have to do work hard. You have to do work day and night. So start your work today. Follow your dream. And always remember, the only thing that will stop you from fulfilling your dream is you. कल ये ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा जो ख्वाब आज महज ख्वाब नजर आता है. See you in the next interaction. Thank you very much.